मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, ताज मोहम्मद इनका नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको 5 बेटियों से नवाजा है, जिसमें 3 बेटियां इनकी स्पेशल पर्सन है। स्पेशल पर्सन से मुराद मेरे उन दोस्तों के लिए कि ये माजूर हैं। इनकी जो अपनी आंखें हैं वो भी सही काम नहीं करते। कितने पैसे लगे लेंस के लगवाने में? वो 30,000 रुपये लगे। घर का थोड़ा सामान था वो बेच दिया था। अल्लाह, बच्चों का एक उनके एक वाकर बनाया हुआ था, किसी ने मुझे बना के दिया था, ये वो एक बेच दिया था। ज़मीर भी नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये सफ़ेद मोती काले हो जाएगी, काले की होने की वजह से ख़राब हो जाएगी, आँख का ज़ाया हो जाएगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अहले बैत पर। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज। नाज़रीन इकराम, आज रावलपिंडी का एक टाउन है, बर्मा टाउन, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इंतहाई एक दुखी कहानी है और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं जो इस्तेमाल कर सकूँ। मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, ताज मोहम्मद इनका नाम है। इनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है, लेकिन 1978 से रावलपिंडी में ही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको 5 बेटियों से नवाजा है, जिसमें 3 बेटियां इनकी स्पेशल पर्सन है। स्पेशल पर्सन से मुराद मेरे उन दोस्तों के लिए कि ये माजूर हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। 2 बेटियां इनकी ठीक हैं, एक बेटी तंदुरुस्त है माशाल्लाह, एक बेटी भी छोटी है। 3 बेटियां माजूर हैं। इनकी जो अपनी आँखें हैं वो भी सही काम नहीं करते। मेरे साथ बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज। वालेकुम सलाम। ताज भाई, अपने बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो सर, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे घर आए हैं। काफ़ी अरसे से किसी ने ना तो हमारा पूछा है, न कोई यहाँ भी आया है, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात सर ये है कि एक तो अल्लाह की तरफ से मेरे जो बेटी है वो माजूर है जिस्मानी तौर पर, उस पर मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अल्लाह हमें भी पैदा किया हुआ है, आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश है। दूसरे तरफ जो है ना, थोड़ा सा गुर्बत ने तंग किया हुआ है कि इनके बच्चों का जो इनका खाने पीने है या मेडिसन है बाहर से है, क्योंकि घर की रोटी नहीं खा सकती है, पड़ी हुई बच्ची है, ये आज़म नहीं कर सकती, तो इनको नरम ग़िज़ा बाहर का खिलाते हैं, तो बहुत मुश्किल से इनका मैं पूरा कर लेते हैं। अब लोग कुछ खाए या ना खाए घर पे। तीसरी बात यह है कि घर का रेंट है, घर किराए का है। घर किराए का है सर, तकरीबन 9-10 हज़ार किराया दे रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से पूरा हो जाता है, बहुत मुश्किल से पूरा करता हूँ। तो बकाया इलेक्ट्रिक बिल है, इस बार यकीन करो इतना बिल आया है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि यार ये मैं कहाँ से पे करूँगा। कितना बिल आया? इस बार बिल आया तकरीबन 6,800 रुपये। 6,800 रुपये इनका बिजली का बिल आया है, किराए के मकान में रहते हैं, 10,000 किराया है, जॉब इनके पास नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, एक आंख में इनका मोतिया उतर चुका है, अपना भी इलाज करवा रहे हैं, बच्चियों का भी इलाज करवा रहे हैं। मेरा कुछ दिनों पहले एक राइट साइड का जो आंख है उसका नज़र गिर गई थी, फिर मैंने जो है ना चेकअप कराया, वो चेकअप वगैरह तो सब कुछ फ्री था, लेकिन उन्होंने कहा कि लेंस का पैसे जो है ना आपको लाना पड़ेगा। लेंस के जो पैसे हैं, लेंस के जो पैसे हैं वो, फिर ये है कि मैं जो काम करता हूँ जहाँ भी थोड़ा सा बहुत मैंने स्क्रैप जमा किया हुआ था, थोड़ा बहुत उधार लिया है, तो बड़ा मुश्किल से वो लेंस जो है ना, इतना मुझे मुश्किल से तकरीबन 15-20 दिन में इनका पीछे ख्वार हुआ हूँ, आगे पीछे। कितने कितने पैसे लगे लेंस के लगवाने में? वो 30,000 रुपये लगे। 30,000 रुपये एक लेंस का? एक लेंस का। बहुत मुश्किल से घर का थोड़ा सामान था वो बेच दिया था। अल्लाह,
बच्चों का एक उनके एक वाकर बनाया हुआ था, किसी ने मुझे बना के दिया था, वो एक बेच दिया था। तो दिल भी नहीं कर रहा था, मैंने कहा यार बच्चों का जो है ना वो मैं ख़राब कर रहा हूँ, अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। ज़मीर भी नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये सफ़ेद मोती काले हो जाएगी, काले की उन्हीं की वजह से ख़राब हो जाएगी, आंख का ज़ाया हो जाएगी। घर का निज़ाम कैसे चला लेते हैं, इतनी गुर्बत है, कुछ लोग मदद करते हैं आपकी कि नहीं? सर नहीं करते हैं, कई लोग, कई मैंने लोगों को बताया हुआ है, मेरा तो ज़मीर भी नहीं मानता कि आगे किसी को बताओ। दुनिया में मैंने जहाँ मेरा तजर्बा हुआ है ना सर, कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, किसी के आगे हाथ फैलाना। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा, आप घबराएं नहीं। खुददार शख्स है और वाकई उनकी बात दिल को लगती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किसी के आगे हाथ नहीं बंदा फैला सकता। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इस्लामाबाद में मुकीम है। ये इलाका है खन्ना पुल से आगे बर्मा टाउन, वहाँ पे ये रहायश पजीर हैं, गुंजान आबादी है, और ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनका सदे बाप करे, बीमार बेटियों की कफालत कर ले। तो ताज मोहम्मद, आपका जो प्रोग्राम है इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, क्या कहेंगे लोगों को? सर मैं तो यही चाहता हूँ ना कि अगर वो जिस तरह चाहे, जिस सूरत में चाहे, मेरा नहीं, इन बच्चों का कोई मदद कर दे। अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह के बंदे करेंगे इंशाल्लाह। जी खुद आके अपने हाथों से करें, ठीक है ना, खुद आके बच्चे देख ले, उनके सामने है। नाज़रीन इकराम, किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं। मासूम बच्चियां हैं इनके, तीन बेटियां माजूर हैं। मैं बार बार इस चीज़ के इसलिए कह रहा हूँ, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है। मैंने जब भी किसी की मदद के लिए फेसबुक पे या किसी को कहा भी है, वल्ला मेरे रिश्तेदारों से ज़्यादा मेरे ज़रखेज़ दोस्त हैं जो आगे बढ़कर मेरा हाथ थामते हैं और इन जैसे दोस्तों की मदद भी करते हैं। अपनी तरफ से मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, MYK न्यूज़ की तरफ से भी। मेरी आपसे यही गुजारिश है, हम जो कुछ कर सकते हैं हम वो करें, अपनी जेब के मुताबिक आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका भी नंबर दे दूंगा, मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, मुझसे आप रابطہ कायम करें। आप खुद आके चेक करना चाहते हैं, खुद आएँ, इनसे रابطہ करें। मेरी बार बार यही इस्तदा है कि इनका हाथ थामिए। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं, आपकी मदद के तलबगार हैं, तो खुदारा इन जैसे लोगों की मदद लाजमी कीजिएगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।